मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स से करा था। सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा। What the hell is wrong with you? मेरा मुंबई का बाहर निकालना है। कौन था 1982 की विधाता में खतरनाक खलनायक? क्यों एक नए विलन को कास्ट किया जा रहा है विधाता के सीक्वल के लिए? जैकी श्रॉफ को क्यों हाथ धोना पड़ा विधाता 2 से? आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने शानदार शख्सियत के दम पर सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। बेशक वो आज हमारे साथ नहीं है, अमरीश पुरी ने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे थे। अमरीश पुरी के अभिनय ने दर्शकों के दिल में खौफ पैदा करने के साथ साथ लोगों के आंखों में आंसू लाने तक का हुनर था। आपको बता दें कि नौकरी के साथ साथ अमरीश पुरी ने पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। साल 1979 में अमरीश पुरी को संगीत नाटक एकेडमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अमरीश पुरी पहले स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं हुए थे। वे एक्टिंग से पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करते थे। बॉलीवुड के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी एक्टर के एल सिंगर के कजिन भाई थे। अमरीश पुरी ने साल 1982 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में खलनायक का किरदार निभाया था। दर्शकों को उनका ये किरदार बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर को 40 साल की उम्र में 4 चांद लगा था। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को पहचान मिली। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने खलनायक का किरदार निभाया था। अमरीश पुरी को बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1982 में भी काम किया था। अमरीश पुरी ने अपनी फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश मशहूर ने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोनस एंड द टेंपल डूब में भी अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा निर्देशित किया गया था। अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को हुआ। वे कैंसर की जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। फिर 2005 में हमने फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन खलनायक खो दिया। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन परेशानी ये है कि अब विधाता मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है। जैसे कि हमने बताया कि पहले पार्ट में अमरीश पुरी ने विलन की भूमिका निभाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो हमारे साथ नहीं। तो इन सब में अब कौन होगा जो देगा अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग को टक्कर? तो इस बात का हल निकालते हुए पहले जैकी श्रॉफ को इस किरदार के लिए फाइनल किया जा रहा था, लेकिन फिर उनका नाम इस सूची से हटा दिया गया और अब रितेश देशमुख को इस किरदार के लिए चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो कोई उम्र दराज इंसान होना चाहिए था, लेकिन अब जो मेकर्स ने कह दिया तो फिर वो किसी के बाप की नहीं सुनते। वैसे भी ये फिल्म है और यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, और रितेश भी विलन का रोल पहले अपनी फिल्म बागी में और एक विलन में कर चुके हैं। इसमें इनकी काफी बेहतरीन एक्टिंग थी। अब ये कैसे इस रोल को निभा पाएंगे, क्या क्या इनके लुक में चेंज किया जाएगा, सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, बाय।